मेरी जगह आप खुद को रख के देखो, ठीक है, सेम सिचुएशन जैसे मेरे साथ हुआ आप रखो, और आपके पेरेंट्स पे क्या बीतेगी फिर आप वो भी सोच लो। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ उनको इन्वॉल्व मत करो। गौरव भाई को बुरा लग गया, उसके घर वालों को उल्टा बोल दिया। हाँ ये बात तो सही है यार, यानी कि अगर आपसे किसी को प्रॉब्लम हो तो आपको बोलना चाहिए, ना कि आपके घर वालों को। लेकिन एक महीने पहले यार आपकी किसी के साथ कंट्रोवर्सी चल रही थी जिसमें गटसी लड़के का नाम आ रहा था, उस टाइम पे शायद उसकी गलती थी कि वो आप पे रोस्ट बना रहा था, तो आपको उसको बोलना चाहिए था। लेकिन आपने तो उसके माँ बहन भाई बाप सबको गालियाँ दी, वो भी ऑनलाइन लाइव बैठ के। तब आपके ये जो सिद्धांत थे वो कहाँ पे थे, यानी फिर आप उस टाइम आपके घर वाले कहाँ थे जो कि आपको शायद से ये चीज़ नहीं सिखा रहे थे। तब आपके घर वालों को तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, शायद उसके भी घर वालों को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी जिसके पर आप इतनी सारी गालियाँ दे रहे थे। आज आपके साथ हुआ तो आपको बहुत बुरा लग रहा है ना। लेकिन फ्लाइंग बीस्ट, जिस बंदे ने आज तक किसी के बारे में उल्टा नहीं बोला, जिसने किसी को गाली नहीं दी, तेरे साथ तो उसने एक वीडियो भी बना रखी थी, एक या दो ब्लॉग बना रखे थे, तूने उस बंदे को गालियां बकी, उसकी बीवी को गालियां बकी जिससे तेरा कुछ लेना देना नहीं, यानी तेरा तो कोई रिलेशन ही नहीं था उस चीज़ से, तो तूने तो उस टाइम उसको गालियां बकी, तो अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए। अपना दुख तुम्हें दिखाई दे रहा है, दूसरों का किसी का दुख नहीं आपको दिखाई दे रहा। आपने तो इतने बड़े बड़े कांड करे हैं, एक एक लाख रुपये का स्कैम किया है आपने, यानी आपने दूसरों से पैसा लिया कि मैं आपका यूट्यूब चैनल प्रमोट कराता हूँ, लेकिन आपने वो तो किया नहीं है ना, एक लाख भी खा गए बेचारे के। तो भाई ये जो होता है ना, ये कर्मा होता है, और पहले मैं बिलीव नहीं करता था इस कर्मा में, लेकिन यार गटसी का सीन देख के यार मेरे को सच में बिलीव हो गया कर्मा के अंदर। यानी एक महीना भी नहीं लगा यार, एक महीना, सच बताओ ना भाई, उसके गटसी घर वालों की हाय लगी तेरे को, सच बता रहा, दिल से बोल रहा हूँ, क्योंकि तूने जिस तरीके से उसके घर वालों को गालियाँ दी थी ना भाई, तेरे साथ ये चीज़ होनी थी, कभी ना कभी तो होनी थी। और आज जो ये तेरी पब्लिक आके जो तेरे सपोर्ट में लोग वीडियोस बना रहे हैं और यूँ बोल रहे हैं कि उसने इतने अच्छे अच्छे काम करे हैं, उसके घर वालों को नहीं बोलना चाहिए था, ये नहीं करना, तो भाई तुम लोग उस टाइम कहाँ थे जब गटसी के साथ ये सब चल रहा था? सोचो उसके उस टाइम पे उस बंदे के ऊपर कितनी वीडियोज़ बन रही थी, उस बंदे को कितना ट्रोल किया जा रहा था, तब आपको क्यों नहीं पता चल रहा था कि भाई उसकी भी फैमिली है, उसकी फैमिली को तकलीफ़ हो रही होगी, है ना? उस टाइम आप कहाँ थे? आप गौरव जोन को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन आज आपके गौरव जोन, यानी कि आपके सुपरमैन, सॉरी, गौरव जोन को बहुत तगड़ी लग गया फटका, तो आज आपके लिए आंखों से आंसू आ रहे हैं। और उसके बाद अब आते हैं जो ये अपनी वीडियोस में बता रहा है कि भाई इसने बहुत सारे लोगों की हेल्प करी, तो मैंने एक डॉग की जान बचाई थी, जिस डॉग की जान बचाई थी ना तूने उस डॉग से भी पैसे कमाए हैं, तुझे 2-3 हज़ार रुपये नहीं दिए जाए थे, तूने उस डॉग से कम कुछ नहीं तो भाई मैं क्या ही बोलूँ, 20-30 हज़ार रुपये तूने उस डॉग से कमा लिए होंगे यूट्यूब पे ऐड लगा के, ठीक है, जो तू बोल रहा है कि मैंने उसकी हेल्प करी थी, चल तूने हेल्प करी थी वो अच्छी बात है, लेकिन उस चिड़िया का क्या जो जिससे तूने पैसे भी कमाए और उसके बाद तूने उसे राजमा का दाना खिला दिया, जब इसके जो सब्सक्राइबर जो इसके बच्चे यूँ बोल रहे हैं कि भाई उस बारे में भी कोई बात करो जो इसने अच्छे काम करें, जो इसने डॉग की जान बचाई है, जो ये खुद बोल रहा है कि भाई उस बारे में बात करो जो मैंने डॉग की जान बचाई है, तो भाई उस बारे में भी बात करवाना जो तूने चिड़िया को जान से मरवा दिया, यानी नाम कर दिया कि हाँ भाई तूने उसकी जान बचाई और उसके बाद तूने उसे जब तेरे बस की नहीं हुई तो तूने उसे राजमा का दाना खिला दिया, उसको जान से मरवा दिया। एक जगह पे इसने एक और वीडियो बनाई है जो कि इसकी गुड लिस्ट में आती है, जिसमें इसने गरीब बच्चों को 5-स्टार होटल का जो इसने क्लिक बेट मार के और रेस्टोरेंट ले गया था स्वाद ऑफिशियल के, हाँ सुना सुना नाम लग रहा ना, गौरव जो अभी बाबा के स्कैम में फंसा था, स्वाद ऑफिशियल 2 साल पहले 2019 में इसके साथ इसने कोलैबोरेशन करा था गौरव जोन ने। और आप सभी को पता है कि ये बंदा किसी भी रेस्टोरेंट किसी भी दुकान के साथ तब कोलैबोरेशन करता है जब इसको पैसा मिलता है वहाँ से या फिर कुछ इसका फ़ायदा होता है। तो इसने सोचा कि भाई एक स्टोरी बनाते हैं कि गरीब बच्चों को लाएंगे, तुम्हारी भी अच्छी दुकान, यानी कि तुम्हारे को भी सिंपत्ति मिलेगी, तुम्हारी रेस्टोरेंट को भी सिंपत्ति मिलेगी और मुझे तो भाई ऐड मिलेगी और तुमसे पैसा मिलेगा, ठीक है। उसने उस सिंपत्ति के नाम पे जो उसने पैसा कमाया यूट्यूब से, उसका क्या बोलेगा उसको भाई, उसको भी तो वो करो ना, सामने आके बताओ भाई, जो बंदे ये डोनेशन करके और जो पैसा छापते हैं, ये जो
ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि नाम पे बोलती हैं कि भाई हमारे को पैसा दो, हम दूसरों की हेल्प करेंगे। अबे तू तो साले जिसकी हेल्प करता है इतनी सी, तू उनसे इतना कमाता है तब जाके तू उनकी हेल्प करता है, और उसके बाद तेरे को फेम मिलता है, अलग मिलता है, तेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, वो अलग बढ़ते हैं। तो कभी यूं मत बोलियो किसी के सामने कि तूने भाई उनकी हेल्प करी, तूने उनके नाम पे पैसा खाया। तेरी हेल्प मैं तब मानता जब तू उनके नाम पे कोई पैसा नहीं खाता, या फिर उस वीडियो से कोई जो भी पैसा आता तू उनको उन लोगों के हित में खर्च करता, तब मैं तेरी हेल्प मानता, ना कि तेरी ये हेल्प कि जो तू जिस तरीके से पैसा कमाता है। तो ये रही तेरी उन सब बातों की लिस्ट जो कि तूने बोला था कि भाई इनके बारे में कोई क्यों नहीं बात कर रहा। तो गाइस वीडियो, अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ में आया हो और अगर आपको पता चला हो कि मैं क्या बात करना चाहता हूँ और मैं क्या समझाना चाहता हूँ, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताना, और उन फैमिलीज़ के साथ ज़रूर करना जिनके बच्चे इस चूते की वीडियोज़ देखते हैं और इससे इंस्पायर होते हैं, इसको अपना गुरु मानते हैं, तो उन तक ज़रूर भेजना, क्योंकि अगर उन तक नहीं भेजोगे तो उनके साथ कुछ ऐसा सीन होगा। बड़ा हादसा हो गया, कार्तिक घर छोड़ के जा रहा है क्योंकि गौरव धुन, वो देखो नंगे पैर जा रहा है, वो देखो मतलब पागल ही हो रहा है किसी तरीके से, अब तो छूट गया ना। और गाइज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, चाहो तो मेरे इंस्टाग्राम नीचे फ्लैश हो रहा होगा, जाओ जल्दी से फॉलो करो।